चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार किया है। ओवैसी ने दमोह हमले मामले में स्कूल पर कार्रवाई को गलत बताया। गृह मंत्री ने कहा कि ओवैसी दोहरी मानसिकता वाले हैं, धर्मांतरण मध्य प्रदेश में चलने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने प्रेम और लव जिहाद का अंतर भी बताया। तो ओवैसी को आईएएस नियाज खान से सीखने की सलाह भी दी। ओवैसी जी को आपने साक्षी पे तो बोलते सुना नहीं होगा, इतनी लंबी तकरीर वो दमोह पे कर रहे हैं। साक्षी पे उनने एक भी इतनी लंबी तकरीर नहीं की, ना साक्षी पे की कभी, ना श्रद्धा पे की कभी, लेकिन इस पर जरूर करते हैं। उनकी ये पीड़ा है और मानसिकता जिहादी इसी को कहलाते हैं। जातिगत राजनीति करते हैं। दमोह के अंदर हमने पासपोर्ट की जांच के लिए बोल दिया है। दमोह के अंदर वो कब विदेश गए, कब आए, ये बोला है। और क्या क्या इस संबंध में कार्रवाई हो सकती है, सारी कार्रवाई के निर्देश एसपी कलेक्टर को दिए जा चुके हैं। सवाल लव का नहीं है, सवाल लव की आड़ में जिहाद का है। ये साक्षी वाला जिहाद ही है, श्रद्धा वाला जिहाद ही था, 35 टुकड़े जो श्रद्धा के कर दिए थे, ये प्रेम नहीं था। हमारे यहाँ किसी ने गणित सिखाया है, एक और एक मिले तो दो हो जाते हैं, ये गणित कहता है। एक और एक मिले और 11 हो जाएं तो संगठन कहलाता है। एक को एक के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, ये राजनीति कूटनीति कहलाती है। और एक मिले और 35 टुकड़े हो जाए, ये लव जिहाद कहलाता है। अब ये ओवैसी जी लोगों को, एक आईएएस से पढ़े लिखे लोगों की बातों को अध्ययन करना चाहिए, उनने पुस्तक भी लिखी है, पर ये करेंगे नहीं। अगर कर ले तो शायद इनके जाले कुछ साफ हो जाए।